Welcome back to my channel. So today my video on t-shirt painting. So मैं आज कुछ cartoon character अपने t-shirt के ऊपर draw करूँगी और फिर इसे मैं color करूँगी. और ये cartoon character तो सबका favorite है और मेरा भी favorite है. तो इस cartoon character का नाम है Mickey Mouse और मैं आज वही draw करने जा रही हूँ. बहुत ही सिंपल सा मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगी और ये पेंटिंग और वो भी टी शर्ट के ऊपर मेरे चैनल पे तो फर्स्ट टाइम है. तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर ज़रूर बहुत शेयर कीजिए. तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. मैंने यहाँ पे अपनी मनपसंद एक मिकी माउस चॉइस किया. फिर मैंने एक A4 पेपर लिया और उसके ऊपर अच्छे से सेट करती हूँ. और फिर दोनों साइड से मैंने टेप चिपका दिया और फिर एक पेन लिया और मैं अभी ड्रॉ करूँगी. बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करूँगी. ये टेक्निक फॉलो करने से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाती है. देखिए कितने अच्छे से स्मूथली ड्रॉ हो जा रहे हैं. तो जिन लोगों को अच्छे से स्केच या फिर अभी अब लोग बिगिनर हैं, इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो ये टेक्निक ज़रूर फॉलो करना. पूरा देखते रहिए. अभी मैं बॉटम पार्ट ड्रॉ करूंगी और मिकी माउस पूरा फिर कंप्लीट हो जाएगा. मैंने यहाँ पे एक टी शर्ट ले रही हूँ और जो रेड कलर का है. अब आप लोग अपने मनपसंद का कोई भी टी शर्ट चूज करते हैं. मैंने यहाँ पे रेड कलर का लिया है और कुछ क्लिप लिया है जो क्लॉथ का भी हो सकते हैं या फिर आर्ट वर्क का भी हो सकते हैं. मैंने ये क्लॉथ अच्छे से इधर प्लेस कर लिया. मैं यहाँ पे वर्क करने से पहले ये जो टी शर्ट है मैं इसको अच्छे से आयरन से प्रेस कर लिया. एकदम वार्म आयरन जो होता है वही से मैंने प्रेस कर लिया. फिर अपना जो बोर्ड है इसके अंदर मैं इंसर्ट कर रही हूँ. इसका कारण यही है कि कोई भी कलर का जो स्ट्रेन है वो टी शर्ट के बैक साइड में नहीं लगने के लिए ये प्रोटेक्शन लेना पड़ता है. सो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको प्लेस कर दिया और फिर अपना जो क्लिप है उसके मदद से मैंने यहाँ पे सारे की जो ज़रूरत पड़ता है उसको मैं अच्छे से स्ट्रेस कर दूँगी. फिर मैंने यहाँ पे जो अपना मैंने ड्रॉ किया था मिकी माउस का उसका मैंने पेपर ले लिया और थोड़ा देखने भी लगी हूँ कि कैसा दिखता है. फिर यहाँ पे मैं एक कार्बन पेपर ले रही हूँ जो इसके ऊपर मैं प्लेस करूँगी. और फिर प्लेस करने के बाद जो मैंने ड्रॉ किया था जो मिकी माउस मैंने ड्रॉ किया था उसको भी अब प्लेस कर दूँगी. और ये सारी जो मैंने क्लिप है उसको फिर से मैं लगा दूँगी और अपना पेंसिल से उसके ऊपर मैं फिर से ड्रॉ करूँगी.
क्या होगा, वो जो कार्बन पेपर है उसकी मदद से उसके ऊपर एक कॉपी सा होगा इस मिकी माउस का। तो वही देखिए, आप लोग देखते रहिए वीडियो को और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मेरे ड्रॉ हो गए। अब मैं देख रही हूँ कि हाँ, बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गए, बहुत अच्छे से इसका जो स्ट्रेंथ था कार्बन पेपर का, इधर वो लग गया है। और अब मैं इसे कलर करूँगी, तो आप लोग देखते रहिए एंड तक। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाइट कलर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश ले लिया। मैंने फेस से स्टार्ट किया। जनरली मिकी माउस का फेस स्किन कलर का होता है, बट मैंने यहाँ पे वाइट कलर चूज़ किया। लेकिन मिकी माउस के 2 ग्लव्स में ज़रूर वाइट कलर ही होता है, तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे वाइट कलर होगा, तो मैं वहाँ पे वाइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पहले वाइट कलर थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और जहाँ जहाँ पे वो हाथ का जो बॉर्डर मैंने स्केच किया था, उसी पे पहले मैं वाइट कलर ब्रश से मदद से दे रही हूँ और फिर मैंने बीच वाले जो एरिया है उसको फिल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरी कलर है वो बाहर तक नहीं स्प्रेड करेगा। सेकेंड वाला जो ग्लव्स है वो भी कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे पहले एक ऑरेंज कलर ले लिया था। मुझे लगा कि ऑरेंज कलर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा येलो के साथ मिक्स करने के बाद, फिर मुझे लगा नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लेमन येलो, वही मैंने दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो क्रोम येलो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ब्राइट कलर चाहिए था येलो पे, तो मैंने यहाँ पे लेमन येलो यूज़ किया। मैंने यहाँ पे दोबारा से और लेमन येलो ले लिया और जो सेकंड वाला शूज़ है मिकी माउस की, वो भी कंप्लीट करने लगी हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर ज़रूर करना। इसका जो रेड वाला पोर्शन है, तो मैंने यहाँ पे क्रिम्सन कलर ले लिया। आप लोग चाहे तो ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी टी शर्ट का कलर और इसका कलर तो सेम ही हो रहा है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा इधर कलर करने का।